चलो, मैं तुमको दुकान से नहीं खरीद के दिला। ठीक है बाबूजी। चलो मेरे साथ। आज 27 तारीख है। बच्चे भी खा लेंगे। जाओ। आज 28 तारीख है। सिपाही को 12 रुपए मिलते, लेकिन उसको अभी सेठ का उधार चुकाने के लिए 7 रुपयों की और जरूरत। वो हमेशा की तरह सेठ से कहता कि अगले महीने से एक एक करके चुका दूंगा, और सेठ जी भी हमेशा की तरह उसे आटा, दाल, चावल, चीनी और सूखी लकड़ी दे देते। वो सारा सामान अपने दोनों कंधों पर रखकर, कुछ सर पर रखकर, थका मांदा हाफता हुआ घर पहुंचता। सारा सामान खुद उतार कर रखता और टूटा हुआ पंखा चलने लगता। Thank you.
पिताजी। चुप। पिताजी। सब लोग धीरे से। कपड़े तो सबके बनते रहे। पता है सेठ ने तनख्वाह से उधारी के सारे पैसे काट लिए और अभी 7 रुपए और भी देने हैं उनको। मैं किसी तरीके से आटा दाल चावल सब ले आया हूँ। इसे कुछ बना लो। कल से सब लोग ने कुछ नहीं खाया। मैं जल्दी ही सबके कपड़े बनवा दूंगा। फिर मत बेटी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। साथ की लड़कियां दसियों मर्तबा तेलनिया चमरिया और कंजरिया करके मेरी बेइज्जती करती है। तो तू बड़े माता से शिकायत क्यों नहीं करती है? करती हूँ, लेकिन वो उसको टाल देती है। इस साल इसी तरह से पढ़ अगले साल अच्छे स्कूल में दाखिला करा। मैं तबाही ने तहलका मचा दिया और ब्रिटिश हुकूमत ने ललित सिंह को जेल में भिजवा दिया। जेल में कैदियों की तमाम अव्यवस्थाओं को देखते हुए ललित सिंह जी ने वहां पर कैदी महासभा बना डाली। कैदियों में ब्रिटिश हुकूमत का बहुत भय था, लेकिन जब उन्होंने ललित सिंह जी के भाषण सुने तो उनके हौसले और बुलंद हो गए और ललित सिंह जी ने भी ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा। हम सभी लोग जेल में कालीन बनाने का मशक्कती काम करते हैं। केवल ज्वार की रोटी खाते खाते लगभग सभी कैदियों को रतौंधी होती जा रही है। अतः हमें 3 हिस्सा गेहूं और 1 हिस्सा चना खाने को दिया जाए। और हाँ, कैदी को चाहे कितनी भी सजा हुई हो, अगर वो 5 साल से ज्यादा सजा भुगत चुका है तो उसे रिहा किया जाए। साथियों, अगर जेल में ही मरना लिखा है तो कुत्ते की भात ना मर के शेर की भात मरो। साथियों, हमारी आवाज सरकार तक पहुंच गई है। जेलर घबरा रहा है कहीं हमारे कारण उसकी नौकरी न चली जाए। हमारी बात मानो, खाना खूब खाओ, लेकिन एकजुट रहो, जीत हमारी होके रहेगी। ललित सिंह जिंदाबाद। ललित सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंग्रेजों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। साथियों, हम राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन हमें हमारी आवाज उठाने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बात मानो, एकता में वो शक्ति है जो किसी और में नहीं है। हमारा नेता कैसा हो, ललित सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, ललित सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, ललित सिंह जैसा हो।
जेल से रिहा होने के बाद ललई सिंह जी अपने गांव आते हैं। गांव में उनके चचेरे भाई जो कि सनातनी कर्मकांडी हैं, वो मेवा मिष्ठान का यज्ञ हवन करते हैं। उन्होंने अपने भाई को कई बार समझाने का प्रयास किया कि ये सब ढोंग है, पाखंड है, बंद कर दो, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हुए। एक बार की बात है, उनके भाई सियारी नदी में खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। उन्होंने एक प्रयोग करते हुए अपने भाई को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद उनके भाई ने हमेशा के लिए ये कर्मकांड बंद कर दिया। आइए देखते हैं कि वो प्रयोग क्या था।